बहुचर्चित पट्टामुंडे सरकारी जमी जालियाती घटनारे सरकारी जमी सरकार को खाता को फेरे आणवा सहित एही जालियाती रे शामिल थिबा पट्टामुंडे रो पूर्वतन तहसीलदार पूर्वतन पेशाकार पूर्वतन अमीन और अन्य सरकारी कर्मचारी उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करी आसंता 31 तारिखर केन्द्रापड़ार गरापुर छकस्थित महात्मा गांधी को मूर्ति निकटे दिनराति धारणा देवाक ओडिशा सूचना अधिकार संगठन सदस्य दुष्मंत नारायण आचार्य और एही धारणा को समर्थन करुथिबा ओडिशा सूचना अधिकार संगठन तरफ लिखित देवा सहित चेतावनी मध्ये देछन्ति। अभियोग मुताबक पाखापाखी 2 एकर जमी जालियाती होइथिबा नै सूचना अधिकार आईन बलरे तथ्य मागी पट्टामुंडे तहसील अंतर्गत तेरोही ग्रामर काशीनाथ भोड़ एही सरकारी जमी हातेइथिबा नै तथ्य प्रमाण आधार रे एही जालियाती घटना को जिला प्रशासन गोचर को 1.5 मास तले और 1 मास तले पट्टामुंडे थाना रे दुष्मंत लिखित अभियोग करी दृष्टि गोचर करथिले। एही सरकारी जमी जालियाती उपरे विधिवत भावे तर्जमा करी उक्त जमी को पुनर्बार सरकार को खाता को फेरे आणवा सहित जालियाती सामिल थिबा पट्टामुंडे तहसील सरकारी कर्मचारी मानक उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबा दाबी करथिले। एक घटना रे कागज पत्र को टैंपरिंग हेबा सहित पूरा जालियाती होइथिबा स्पष्ट जना पडुथिला। एहा सुद्धा जिला प्रशासन निजर प्रशासनिक अधिकारी मानको घंट घोडाउथिबा नै जिला प्रशासन उपरे सांघातिक दोष लदिछंती। तबे अभियोगकारी दुष्मंत आहुरी मध्य कहिछंती जे एही घटना रे एते गुडै जमी सरकारी खाता को फेरै आनी सरकार को योजना रे भूमिहीन बासहीन गरीब गरुबा को प्रदान करा जाय। तबे पाखापाखी 50 परिवार उपकृत हेबे। यह सहित एही जालियाती रे सामिल थिबा सरकारी कर्मचारी को उपरे आईनत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय। तबे आगामी दिन रे एभली कागज टैंपरिंग करी जालियाती करूथिबा अनेक सरकारी कर्मचारी पछघुंचा देबाको बाध्य हेबे। जिला प्रशासन रो जालियाती नीति जगो कोनोसी कार्यानुष्ठान न हेबारु निजर किछि व्यक्तिगत स्वार्थ न थाय मध्य समूह स्वार्थ को लक्ष्य रखी एही धारणा देबाको बाध्य होउछन्ती बोली अभियोगकारी खबर सह प्रकाश करबा सहित जे पर्यंत सरकार का जमी सरकार का खाता को न फेरी जाइछि ओ एही जालियाती घटना रे शामिल थिबा समस्त सरकारी कर्मचारी को उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान न निया जाइछि अनिर्दिष्ट काल पई धारणा चालू रखिबे बोली अध्यक्ष चेतावनी देइछंती। केन्द्रापड़ारु जिला प्रतिनिधि संतोष पोथाळंक रिपोर्ट सकाळ खबर।